जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ब्लॉग कर रहा हूं, तो हाय बोलो। हेलो, अभी हम लग जा रहे हैं बक्सा ड्राइवर साहब, हम लोग का यहाँ पे ड्राइवर भैया। हेलो, अभी हम चलाएंगे बहुत बेकार। तो अब ये नए नए लेजेंडर भी आए, तो अभी ये चला रहे हैं। उधर कुछ बंदे लोग आ गए, बंदे लोग आ गए इधर, बंदे लोग हाय बोलो। और हम लोग का इधर भैया लोग तो अभी हम लोग मनसुख भैया को बाय बाय बोलने वाला है। और इधर भैया लोग हाय बोलो, हाय। मैं बाय बोल रहा हूँ, बाय बाय। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं और इधर में भैया अपना स्टिक खाते हुए एक्सेप्ट करना है वो कमेंट में भैया का हम नंबर डाल देगा, तो भैया को कांटेक्ट कर लेना। ए ए ए बड़ा मिल गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल, और इधर भैया लोग अभी बहुत ऊपर चढ़ना है वहाँ पे चोटी में। और ठीक है, तो अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ में, और सबका फाट के चार हो गया है, मेरा भी और हम लोग का एक ब्लॉगर भाई, जैसे तो ये है हमारा स्मेल का आर्ट हो गया है, जैसे कि भाई भगवान भारत माता के तारों यहाँ पहाड़ को जरूरत नहीं रहे तो जाते भाई। हम लोग का गाइड यहाँ पे, चलो चलो। चलो बॉयज, ज्यादा दूर नहीं है। ये मेरा बॉडीगार्ड, तू ये पीछे मत हो जाना। सो अभी मैं शॉर्टकट आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ये शॉर्टकट। थक के हालत खराब हो गया है, इतना पीछे आ रहा है और मेरा यहाँ पर हालत पसीना से लथपथ। देखो हम चढ़ के पूरा थक गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग छोटा व्यू पॉइंट में पहुंच गया है भाई।
मेरे जगह में ये देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे मतलब सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे रखा था तो ये जगह कुछ ऐसा था। अभी यहाँ पे भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जी था और आधा भाई लोग आगे गया है और ऐसा वाल था इधर। तो अभी मतलब फोटो शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पर तो भाई लोग जैसे कि इधर वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए वीडियो बना रहे हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हूँ सिब्रज बड़ाइक। मेरा चैनल अलग है लेकिन भाई का चैनल मैं बोल रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटो ब्लॉगर सिर्फ वाइटी है मेरा चैनल का नाम। तो ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को और कॉमेंट ऐसा कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। धन्यवाद। का भूटान पा वो क्या बोलते हैं सिंचुला भूटान मिलते मिलेगा यहाँ से जाने से है? इधर से हम लोग का वेस्ट बंगाल वहाँ से एक जो बोलता है वो एक गोला बारूद ना क्या बोलता है ना उससे एकदम पत्थर बड़ा बड़ा फैलता था उधर से एकदम नीचे तो वहाँ से यहाँ पे आता था। गुइत्रो बोलता है जो एकदम बड़ा बड़ा कॉपर से एकदम इतना बड़ा बड़ा पत्थर वहाँ से उन लोग के पास आगे यूज करने के लिए वो क्या बोलता है तो उन लोग का गन गोला बारूद कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो पत्थर का था। पत्थर से वहाँ से फैल के इधर आता था एकदम। आगे का टाइम में जो हम लोग का भी देख कितना लूता लुंगड़ा है ऐसा ताकत कुछ भी नहीं। आगे का जो लोग बोला था उन लोग के पास इतना ताकत था ना, इतना बड़ा बड़ा पत्थर तो वहाँ से यहाँ तक फैलता था। हाँ अभी देख ये जो जेल बनाया हुआ है ये अभी पत्थर का है, ये ब्रिटिश आने के बाद में बनाया हुआ है। आगे जब भूटान राजा यहाँ पर शासन करता था ना तब एकदम बेम्बू का था सब पूरा बाँस का, ठीक है बाँस का था एकदम। जब तुम लोग का सेकेंड भूटान मतलब सेकेंड भूटान वॉर हुआ ब्रिटिश और वो कुचबिहार के साथ, ठीक है तब यहाँ पर कुचबिहार मतलब ब्रिटिश कब्जा करके ये देख सब ये जो बोल्डर दिख रहा है एकदम पत्थर स्क्वायर काटा हुआ जो वहाँ पर नदी दिख रहा है उधर वहाँ से ग्राउंड से दिखेगा तो लोग वहाँ ग्राउंड से वो मतलब नदी से लेके आके यहाँ पर देख स्क्वायर करके लगाया हुआ है बनाया हुआ है। ये सब ब्रिटिश पीरियड का समय में ये सब जो दिख रहा है नदी दिखा उस नदी का नाम है बक्सा बक्सा झरना। एकदम उस साइड से एकदम छोटा रास्ता था एकदम पत्थर का सीढ़ी जैसा रास्ता, ठीक है आगे के टाइम में जो खच्चर बोलता है घोड़ा डोंकी बोलता है ना उस मतलब वो डोंकी के ऊपर वो पीठ में एकदम सामान जिनिस खाने का कुछ मतलब पीने का सब वही डोंकी लेके आता था यहाँ तक। मतलब जो ब्रिटिश ऊपर मतलब दूर से जो गोला बारूद लेके आता था वो देख हेलीपैड दिख रहा है उधर हेलीपैड प्लस तो लोग का काउंटिंग ग्राउंड उसको बोलता है मतलब जो आगे का समय में जो कैदी को काउंट करता था एकदम, ठीक है तो वहाँ पे मतलब काउंट करता था तो मतलब हेलीपैड वो मतलब बोलता है उसको तो एकदम बाहर से गोला बारूद लेके यहाँ पर लैंड करके वो लोग यहाँ से सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था मतलब जो यहाँ पर मतलब पेरादारी करता था उन लोग को। और ब्रिटिश लोग यहाँ पर तीन वॉच टावर लगाया हुआ था, देख एक पहाड़ दिख रहा है ये हाँ। इस पहाड़ के पीछे तुलो का जयंती बड़ो मोकल मंदिर बोलता है और छोटो मोकल मंदिर, ठीक है इसमें एक वॉच टावर और उस साइड में देख उस साइड में एक पहाड़ दिख रहा है छोटा हाँ। वो पहाड़ में हाँ और एक पहाड़ इधर इधर ये वाला तीन वॉच टावर इधर पूरा पेरादारी करता था। आगे का समय यहाँ पर कुछ गाँव घर कुछ भी नहीं था, शुद्ध जंगल और ये जेल था। क्यों लेके आया था इधर पता है तुम लोग को? इतना घना जंगल आगे का टाइम में कितना घना जंगल था। अभी तो का मतलब रूख को काट काट के देख घर बनाया हुआ है फांका सब फांका वो तो रास्ता उस तो बनाया घना जंगल था उस टाइम। यहाँ पर कोई लोग भी आने का मतलब आने जाने का रास्ता भी नहीं था एकदम जंगल जीव जंतु पूरा भर्ती हाँ इसलिए इधर नहीं आ पाएगा इसलिए लेकर यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेके आया और 7 दिन रख के यहाँ से जो अंदामान एंड निकोबार काला पानी है फर्स्ट सेलुरा जेल ये सेकंड सेलुरा जेल है तो यहाँ से लेके वहाँ पर कैद करके रहा। तो लोग का पता है कौन बोला इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके नहीं आया कौन बोल रहा था पता लग गया ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये दिख रहा है ये क्या गांस है इसका नाम पता है तुम लोग को? हम लोग का नेशनल ट्री है
पता है? नहीं। इसका नाम है छत्यून बोलता है, नेशनल ट्री। क्या नाम है? छत्यून। छत्यून स्कूल से नंगडाला जाने के एरिया में वहाँ पे पड़ता है, पुल के पास में। हाँ, लंबा लंबा छत्यून बोलता है इसको, हम लोग नेशनल ट्री बोलते हैं। नारंग की क्या बोलते हैं ना, वही होता है। हम लोग का आदिवासी जो है ना, उसमें भी क्या बोलता है लेकिन मतलब याद नहीं है, लेकिन कुछ बोलता है आदिवासी में। लारंग तो लारंग लारंग या क्या बोलता है? लारंग 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 वही लंबा लंबा दिल दूसरा मत बोलना। लारंग 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 वही। ये हेलीपैड जहाँ मतलब जो एंशिएंट टाइम था, उस टाइम में जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे कैद था तो यहाँ पे हेलीपैड आता था। तो जो हम लोग आए वो रास्ता सब कुछ भी नहीं था, जो यही वो जो हम लोग का गाइड था वो बताया, यही 15 साल हुआ वो रास्ता जो हम लोग आया वो बना हुआ। तो उस टाइम में कुछ भी नहीं था और ये यहाँ पे हेलीपैड आता था, उसी से आना जाना होता था और इसलिए पूरा घना जंगल था। और इसलिए हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जी को यहीं पर रखा था जेल में। ठीक बोला ना प्रिंस, एकदम सही है भाई। सब लोग करो चलो। अरे जाने तेरे।